हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माय सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूं कि भाई एक डॉक्टर को सपना पूरा करने के लिए कितने साल न्योछावर करने पड़ते हैं अपनी जिंदगी के। लाइक अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए और आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना है यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ बनना है, तो आपको अपनी जिंदगी में से कितने महत्वपूर्ण साल इसको देने पड़ेंगे। शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग डॉक्टर बनने की सोच रहे हो तो आपको नीट एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ता है, जिसमें मैं मिनिमम 1 से 2 साल हर बच्चे के लग जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। जब आप नीट की तैयारी 1-2 साल में करके क्लियर करते हो तो आपको MBBS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जहां पे आपको 5.5 यानी कि 5.5 साल आपकी MBBS डिग्री कंप्लीट करने में लगती है। उसमें भी खुदा ना कास्ता अगर आप एक आध बार फेल हो जाते हो तो 6 महीने की बैक लग जाती है, आजकल तो ईयर बैक लगने लग गया है। तो भाई साहब, मैं फिर भी मिनिमम 5.5 साल आपका MBBS का रखता हूं। उसके बाद MBBS कंप्लीट होने के बाद अब आजकल MBBS की कोई औकात नहीं रही है मार्केट में, अब आपको एक MD MS करनी ही पड़ती है यानी कि NEET PG करना पड़ता है। तो 5.5 साल के बाद आप NEET PG की तैयारी करना शुरू करते हो। जब सारे बच्चे आपकी एज ग्रुप के जॉब कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं, देश दुनिया घूम रहे होते हैं, उस टाइम आप दोबारा तैयारी करते हो NEET PG के लिए, जिसमें आमूमन मिनिमम 1 से 2 साल लग जाता है। जब NEET PG की तैयारी करने के बाद फिर आपको एक दूसरा मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है, जहां पे आप MD या MS करते हो। MD MS करने में आपको 3 साल लग जाते हैं। 3 साल में आप एक MD MS करके डॉक्टर बनते हो। उसके बाद फिर आपको सुपर स्पेशलिटी करनी होती है, क्योंकि भाई साहब आपको बनना तो हृदय रोग विशेषज्ञ है यानी कि एक DM कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो उसके लिए फिर तैयारी शुरू करो MD DM करने के बाद। उसके अंदर मिनिमम 1 साल की तैयारी हर डॉक्टर करता है सुपर स्पेशलिटी के लिए। जब सुपर स्पेशलिटी में आपको फिर से एक कॉलेज अलॉट होगा, जहां आप DM कार्डियोलॉजी करोगे। DM कार्डियोलॉजी करने के लिए फिर से 3 साल लग जाती हैं। जब DM कार्डियोलॉजी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाके आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ बनते हो यानी कि एक कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो। आई होप सो मैंने बहुत क्लियरली समझाया है। तो सर, अगर मैं गिन के बताऊं, आपके 2 साल नीट की प्रिपरेशन, 5.5 साल आपकी MBBS, दैट इज 7.5 साल, 1 साल NEET PG, 8.5 साल, 3 साल MD MS, दैट इज 9.5, 10.5, 11.5 साल, 1 साल आपकी फिर नीट सुपर स्पेशलिटी, 12.5 साल, DM कार्डियोलॉजी 3 साल यानी कि 12 दिन 14 यानी कि टोटल 15 साल। समझ रहे हो, इस इतनी सी जिंदगी के 15 साल आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ बनने में लगा देते हो। मतलब समझ सकते हो कि एक डॉक्टर को कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू बी कॉल्ड एज DM कार्डियोलॉजिस्ट। सो बच्चों, इट इज नॉट अ ईजी। आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी देख रहे हो, प्लीज गिव सम रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर, बिकॉज ही हैज सेक्रीफाइज अ लॉट टू रीच वेयर ही इज नाउ। सो आई होप सो ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें एक उस एस्पिरेंट को जो नया नबेला पौधे की तरह है, जो एक डॉक्टर बनना चाह रहा है, उसको इस रियलिटी से आप लोग अभी से विख्यात करा दें कि हाँ भाई, अगर तू इतना सेक्रीफाइस कर सकता है तो ही इस मेडिकल फ्रिटर्निटी के अंदर घुस, क्योंकि ये सिंपल नहीं है। दूर से दर्शन बड़े सुहाने लगते हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर कूद जाओगे तब आपको रियलिटी पता चलती है, जो कि मैंने इस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। Please like this video, share it with your friends, and do subscribe the channel for the more amazing content on this channel. So thank you guys. Thank you for watching this video. Please keep supporting, keep hustling, keep rocking. Milta hu agli video mein. Till then, bye bye. Take care.